तो इसके अंदर पहली क्वेश्चन आप लोगों ने क्या बनाई, मोमेंटम कंजर्वेशन। तो बोलो क्या बनाया, 10 × 10 प्लस, बोलो कितना, 5 × −5। बिल्कुल सही। तो आप इसमें इधर की वेलोसिटी पॉजिटिव और इधर की क्या लेते हैं, नेगेटिव। तो पॉइंट नंबर वन क्लियर है यहां तक। तो अगर दोनों वेलोसिटी राइट की तरफ ही हैं तो फिर तो मोमेंटम पॉजिटिव पॉजिटिव है, लेकिन अगर एक ने भी डायरेक्शन चेंज की तो उसका मोमेंटम नेगेटिव, उसकी वेलोसिटी भी नेगेटिव। पहली इक्वेशन इज इक्वल टू। अब आपको नहीं पता कि फाइनली V1 के साथ क्या हुआ, तो आप प्लीज कमेंट ना करें कि इधर गया होगा या इधर गया होगा। अगर इधर गया होगा तो नेगेटिव, इधर गया तो, आप सोचे ही मत, आप बस V1 पुट कर दें। और उसी तरीके से 5 × V2 पुट कर दें। फर्स्ट इक्वेशन आप कहेंगे सर अगर रिबाउंड हुई तो आपका V1 V2 ऑटोमेटिकली नेगेटिव आ जाएगा। अगर आंसर में नेगेटिव आ गया इसका मतलब रिबाउंड हुई है। आप मत डिसाइड करें रिबाउंड हुई कि नहीं हुई, आप V1 V2 करें। फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड रेस्टिट्यूशन, रेस्टिट्यूशन का फॉर्मूला लिखें, V2 − V1 डिवाइडेड बाई U1 − U2। तो E की वैल्यू कितनी, हाफ V2 − V1 U1। U1 कितना है, ये U1 है, कितना, 10। U2 कितना है, 5, लेकिन यहां पर क्या पुट करेंगे, −5। U2 इज −5, यहां पर भी नेगेटिव पुट करना है, गड़बड़ हो जाएगी। अगर उधर नेगेटिव है तो इधर भी नेगेटिव है। तो यहां से V2 − V1 क्रॉस मल्टीप्लाई करके आएगा, तो ये 15, 15/2, 15/2, सेकेंड इक्वेशन। बस अब ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो ये फर्स्ट इक्वेशन है V1 V2 की, ये सेकेंड इक्वेशन है V1 V2 की, इन्हें साइमल्टेनियसली सॉल्व करके V1 एंड V2 कैन बी कैलकुलेटेड। मेथड समझ में आ रहा है यहां तक कि कैसे इसमें मोमेंटम कंजर्वेशन और रेस्टिट्यूशन से ये क्वेश्चन सॉल्व होगा? कोई डाउट इसमें, क्लियर है यहां तक? ऑनलाइन क्लियर है? यस ठीक है, सर। ठीक। अब नेक्स्ट, इसके साथ अब जो नेक्स्ट टॉपिक हमने किया था वो ये किया था कि सपोज करो आपके पास ग्राउंड है, ये ग्राउंड है, ठीक है, मान लो ये ग्राउंड है, ठीक। सपोज यहां पर ई की वैल्यू आपको गिवन है हाफ, 1/3, कुछ तो गिवन होगा, साथ साथ लिखना है प्लीज, ठीक है। तो यहां पर ई की वैल्यू, सपोज आपके पास एक बॉल है और ये रेस्ट से स्टार्ट होती है, तो यू क्या है इसका, 0, U0, ठीक। अब क्वेश्चन है कि जब ये यहां पे नीचे आएगी तो किसी वेलोसिटी से ये हिट करेगी, और ये कितनी हाइट से गिर रही है, h, ठीक है, h हाइट से नीचे आ रही है। तो जब ये हिट करके ऊपर जाएगी तो ये h हाइट अटेन नहीं कर पाएगी, क्यों, क्योंकि एनर्जी का लॉस है, इन इलास्टिक कोलिजन है, इन इलास्टिक कोलिजन है, राइट। तो h हाइट से आई पर h डैश पे ऊपर गई, राइट, क्लियर है यहां तक? हाँ, अगर ये परफेक्टली इलास्टिक होती तो h हाइट पर आई और h हाइट पर ही वापस जाती, पर इन इलास्टिक है, एनर्जी लॉस है, h हाइट पर आई, h डैश पे ऊपर गई। आपको क्वेश्चन में निकालना है h डैश इन टर्म्स ऑफ h क्या होगा, ये क्वेश्चन है। और मैं हिंट दे सकता हूं कि अगर ये बॉल v वेलोसिटी से ग्राउंड को हिट करती है और रेस्टिट्यूशन ई है, रेस्टिट्यूशन ई है, तो टक्कर खाते ही इसकी वेलोसिटी कितने टाइम्स हो जाती है, ई टाइम, ये लास्ट टाइम हमने शॉर्टकट किया था। तो कोई भी बॉल अगर वी वेलोसिटी से आती है और रेस्टिट्यूशन ई है तो कितनी वेलोसिटी से ऊपर जाएगी, E × V से ऊपर जाएगी, ये शॉर्टकट है, ये कॉन्सेप्ट इसमें लगेगा। तो इसको सॉल्व करने की ट्राई करें, कोशिश करें क्या आंसर आएगा इसमें। एच हाइट से आई, एच डैश निकालना है क्या होगा, रेस्टिट्यूशन ई है। हाँ, हिंट ये है कि जब ये नीचे आएगी विद वेलोसिटी ऑफ वी तो E × V से ऊपर जाएगी, ये हिंट इसमें यूज करेंगे।
क्या करेंगे इसमें, ये बताओ पहले एक एक स्टेप करके आंसर बताओ मुझे, कितनी वेलोसिटी से इस बॉल ने इसको हिट किया, इसमें यू वन क्या है बताओ, यू वन क्या है, जीरो, बिल्कुल नहीं, ये कॉमन मिस्टेक है, कितना, नहीं वो तो एक्सेलेरेशन है वी, तो यू वन जीरो है ही नहीं, क्योंकि रास्ते में अपनी वेलोसिटी इंक्रीज 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 इंक्रीज, कौन सी यू वन लोगे, या तो इंक्रीज ही इंक्रीज है, आपको यू वन पता है क्या लेना है, इमीडिएटली टक्कर होने से पहले वेलोसिटी, और इमीडिएटली टक्कर होने से पहले वेलोसिटी पता है क्या बनेगी इसकी, बोलो क्या, वी, वी लगाओ, वी स्क्वायर माइनस जीरो स्क्वायर इज टू इंटू जी इंटू, तो वी का फॉर्मूला क्या आएगा, अंडर रूट ऑफ टू जी एच, तो इमीडिएटली हिट करते हुए इसकी वेलोसिटी क्या है टक्कर से पहले, अंडर रूट ऑफ टू जी एच, पॉइंट समझ में आया यहाँ तक, तो कॉमन मिस्टेक है, लोग ना यू ले लेते हैं, यू वन नहीं लेना, आपने इमीडिएटली हिट करते हुए वेलोसिटी लेनी है अंडर रूट ऑफ टू जी एच, अब क्या हुई, टक्कर हो गई, मैंने क्या शॉर्टकट करवाया, टक्कर होते ही जब ये बॉडी चली तो इसकी वेलोसिटी कितनी होगी, अंडर रूट ऑफ टू जी एच इंटू ई, क्योंकि जाने की वेलोसिटी कितने टाइम होगी, ई टाइम हो गई, तो ये स्टेप क्लियर है यहाँ तक, तो आने की वेलोसिटी रूट टू जी एच, हिट करने की वेलोसिटी अंडर रूट ऑफ रूट टू जी एच, और जाने की वेलोसिटी इमीडिएटली ई टाइम हो गई, कोई डाउट है इसमें, हाँ जी समझ में आ रहा है यहाँ तक, तो ये वेलोसिटी ई टाइम हो गई, अब क्या आप एच डैश निकाल सकते हो, अब जब ये ऊपर जाएगी रुके कभी ना कभी तो रुकेगी, तो रुकते ही इसकी टॉप मोस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी क्या हो जाएगी, जीरो, तो इसकी वेलोसिटी टॉप पॉइंट पर क्या हो जाएगी, जीरो, आपको एच डैश निकालना है, क्या करें, दो तरीके हैं, या तो काइनेमेटिक्स लगा लो, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर टू जी एच, जी को नेगेटिव पुट कर लो, या एनर्जी कंजर्वेशन लगा लो, अगेंस्ट ग्रेविटी है, तो क्या होगा, यहां पर सम ऑफ पोटेंशियल एंड काइनेटिक, और यहां पर सम ऑफ पोटेंशियल एंड काइनेटिक सेम है, तो मुझे ये पता है कि पोटेंशियल की वैल्यू ग्राउंड पर क्या है, जीरो, काइनेटिक की वैल्यू क्या है, हाफ एम ई इंटू अंडर रूट ऑफ टू जी एच का होल स्क्वायर, और टॉप मोस्ट पॉइंट पर पोटेंशियल की वैल्यू क्या है, एम जी इंटू एच डैश, और काइनेटिक की वैल्यू क्या है, जीरो, कोई डाउट इसमें, ऐसे होगा एनर्जी कंजर्वेशन, चलो इक्वेट करते हैं इन्हें, तो एम जी एच डैश इज इक्वल टू हाफ एम ई स्क्वायर अंडर रूट ऑफ टू जी एच का अंडर रूट का स्क्वायर ये रहा, तो यहाँ से एम क्या हो गया कैंसिल, जी से जी क्या हो गया कैंसिल, टू से टू क्या हो गया कैंसिल, तो एच डैश की वैल्यू क्या आ गई, ई स्क्वायर इंटू एच, ये नोट कर लें, ई स्क्वायर इंटू एच, पॉइंट क्लियर है यहाँ तक, तो ये हाइट आ गई, अच्छा अगला क्वेश्चन का आंसर दो, अगर अब पहली बार ये हाइट एच अचीव करती है तो एक टक्कर खाने के बाद एनर्जी लॉस के बाद हाइट ई स्क्वायर इंटू एच हो जाती है, अब सोचो ये वापस नीचे आती है एच डैश से,
अगली जो हाइट है इसकी, जो अगली हाइट है वो तो और भी कम हो जाएगी, एच डबल डैश। बोलो एच डबल डैश क्या होगा, एच डबल डैश क्या होगा, एच की टर्म में बता दो। अभी तो रिजल्ट किया कि अगर एक हिट करते हैं तो अगली हाइट क्या हो जाती है, ई स्क्वायर हो जाती है, पुरानी हाइट से ई स्क्वायर एच हो जाती है। तो हमने क्या टॉपिक किया, मैं फिर से बना देता हूँ, ये देखो। तो हमने ये टॉपिक किया कि अगर ये ग्राउंड है, अगर अगर बॉल एच से आती है तो अगली हाइट क्या हो जाती है, ये देखो। तो अगर ये एच से आती है और रेस्टिट्यूशन ई है तो अगली हाइट क्या हो जाती है, ई स्क्वायर एच। तो ई स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देते हैं, हाइट आ जाती है। अब अगली हाइट क्या होगी, फिर से ई स्क्वायर पुरानी हाइट, इसकी पुरानी हाइट क्या है, ई स्क्वायर एच। तो आंसर क्या आएगा, ई की पावर 4h। समझ में आ रहा है यहां तक? अच्छा, अगर पूछें कि अगली हाइट क्या होगी, इस रिजल्ट को ई स्क्वायर से फिर से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो अगली हाइट क्या होगी, ई रेस टू पावर 6h। सही है, पैटर्न रिपीट होता जाएगा। जैसे वेलोसिटी हर बार ई टाइम हो जाती है, वी ई इंटू वी, ई इंटू ई इंटू वी, ई इंटू ई इंटू ई इंटू वी, ऐसे। तो वेलोसिटी हर बार, हर टक्कर के बाद ई टाइम हो जाती है, हाइट हर टक्कर के बाद ई स्क्वायर हो जाती है। क्लियर है? तो पहली टक्कर के बाद, फर्स्ट कोलिजन के बाद ई स्क्वायर, सेकेंड के बाद ई की पावर 4h, थर्ड के बाद ई की पावर 6h। तो nth हाइट क्या होगी, ई की पावर 2n into h। ये फॉर्मूला याद कर लो कैसे, n का मतलब नंबर ऑफ कोलिजन, अगर नंबर ऑफ कोलिजन 1 है, 1 है, e, n की वैल्यू 1 है फर्स्ट कोलिजन, तो ई स्क्वायर एच। 2 है तो ई की पावर 2h, 4h। अगर n की वैल्यू 3 है 6h। तो ये फॉर्मूला लिखो, फॉर्मूला बुकलेट में भी लिख लेना कि e की पावर 2n। तो पहला फॉर्मूला लिखो, जो वेलोसिटी है वो कितने टाइम हो जाती है, e टाइम, ये पहला फॉर्मूला है। और nth केस में वेलोसिटी कितनी हो जाती है, e की पावर n टाइम, ये वेलोसिटी का फॉर्मूला है। हर बार e की पावर n, पहली बारी e, दूसरी बारी e की पावर 2, तीसरी बार e की पावर 3, nth बार e की पावर n। और हाइट का फॉर्मूला क्या बन गया, e की पावर 2n into h। ये दोनों फॉर्मूला प्लीज नोट कर लें, क्योंकि आज के बाद हम ये थ्योरी थोड़ा करेंगे, आज के बाद सीधा फॉर्मूला ही लगाएंगे, बात ही खत्म है। अगला क्वेश्चन सुनो क्या आएगा, करो सॉल्व करो। अगला क्वेश्चन है कि सपोज फर्स्ट टाइम ये बॉल को यहाँ से हमने रिलीज किया तो u इज इक्वल टू क्या था, 0, हाइट क्या है, h, ठीक। तो अगली हाइट सबको पता है कितनी हो गई, e स्क्वायर इंटू h, है ना, बॉल यहाँ पर आ गई रेस्ट पे। तो यहाँ पर भी वेलोसिटी क्या है, 0 इनिशियल, यहाँ पर भी क्या हो जाएगी, 0, ऐसे। तो अगर ये बॉल नीचे आने में टाइम लगाती है कितना, t, तो यहां से यहां आने में टाइम क्या लगाती होगी, t डैश, आपको t डैश निकालना है इन टर्म्स ऑफ t, ये क्वेश्चन है। मतलब h हाइट उसने अटेन की कितनी टाइम में, t टाइम में, तो h डैश मतलब अगली हाइट कितनी देर में अटेन की, t डैश में, आपको t डैश निकालना है इन टर्म्स ऑफ t।
तो क्या किया, कितना आंसर आया, टी डैश का चेक करें। देखो सबसे पहले काम करते हैं, बस मुझे ये बताओ कि अगर ये नीचे आ रही है इन टाइम टी, तो फर्स्ट इक्वेशन क्या बन सकती है, एच यानी कि एस इज इक्वल टू जीरो प्लस हाफ इंटू जी इंटू टी का स्क्वायर। क्या स्टेप क्लियर है सबको, पहली क्वेश्चन क्लियर है। दूसरी क्वेश्चन, अब जब ये ऊपर जा रही है इन टाइम टी डैश, तो ये बताओ कि ये बॉल वापस हिट भी तो करेगी ग्राउंड को, तो कितने टाइम में हिट करेगी, इन टाइम टी डैश, क्योंकि टाइम ऑफ असेंट इज ऑलवेज इक्वल टू टाइम ऑफ डिसेंट। कि आप इसमें ऊपर जाएं टी डैश या नीचे आए, टाइम टेकन विल बी सेम। ठीक है, पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक, तो क्यों ना ऐसा करें, नीचे आने का टाइम निकाल लें, तो नीचे आने की हाइट क्या है, ई स्क्वायर एच जीरो प्लस हाफ इंटू जी इंटू टी डैश का स्क्वायर। इक्वेशन नंबर टू, आप इक्वेशन नंबर टू और इक्वेशन नंबर वन को क्या कर लें, डिवाइड, तो ई स्क्वायर एच इज इक्वल टू हाफ इंटू जी इंटू टी डैश का स्क्वायर डिवाइडेड बाई एच हाफ इंटू जी इंटू टी का स्क्वायर। ये कैंसिल हो गया, एच से एच कैंसिल हो गया, सॉल्व करो आंसर क्या आ रहा है, ई टाइम्स टी। पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक, क्लियर है, तो नोट कर लें। ठीक, कोई डाउट इसमें, अच्छा तो फिर ये बताओ, एक शॉर्टकट बनाते हैं। शॉर्टकट क्या, कि पहली बार जब बॉल नीचे आ रही है तो उसने टाइम क्या लिया, टी, दूसरी हाइट को अटेन करने में टाइम कितना लिया, ई टाइम्स टी, तीसरी हाइट को अटेन करने में टाइम क्या लिया, ई स्क्वायर इंटू टी। तो आप चेक कर रहे हैं, पहली बार में ई इंटू टी, दूसरी बार में ई स्क्वायर, तो nth बारी में क्या करेंगे, ई की पावर एन इंटू टी। तो ठीक है, नोट कर ले फॉर्मूला एक और, e की पावर n इंटू टी। पॉइंट समझ में आ रहे हैं यहां तक, यहां तक अच्छा, एक चीज का और आंसर दो, फिर हमने ऑलरेडी की हुई है, मैं दोबारा क्वेश्चन पूछ रहा हूं, ये फोर्थ चैप्टर में किया था। अगर ये वॉल है और एक बॉल वी वेलोसिटी से जाती है और इलास्टिक कोलिजन है वी से ही वापस आती है, तो बताओ चेंज इन वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड क्या होगा। कितने लोग बोलते हैं जीरो, कितने बोलते हैं टू वी, कितने बोलते हैं याद नहीं है,
ठीक है, टू वी आंसर है ऑनलाइन, कितने लोगों को समझ में आ रहा है टू वी आंसर है? टू भी होगा, ऐसे सिखाया था वेक्टर फॉर्म यस। में, वी वन वेक्टर को लिख लें वी आई कैप, चेक कर सकते हैं आप, मैंने करवाया भी था। वी टू वेक्टर को क्या लिखें? वी माइनस आई कैप। तो डेल्टा वी वेक्टर चेंज इन वेलोसिटी वेक्टर, वी टू वेक्टर माइनस वी वन वेक्टर, तो वी माइनस आई कैप माइनस वी आई कैप, तो आंसर क्या आएगा? माइनस टू वी आई कैप। तो डेल्टा वी वेक्टर इसके इक्वल आएगा, डेल्टा वी वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या आएगा? टू वी, जीरो नहीं बोलना, क्या बोल रहे हैं? टू वी। कोई डाउट इसमें? समझ में आ रहा है यहाँ तक? और जीरो कब बोल रहे हैं? अगर एक बॉल जा रही है विद द वेलोसिटी ऑफ वी, दूसरी भी जा रही है विद द वेलोसिटी ऑफ वी, तो चेंज इन वेलोसिटी क्या है? जीरो। डायरेक्शन क्योंकि दोनों की सेम है। कोई डाउट इसमें? तो अगला क्वेश्चन बताओ कि अगर मान लो ये वॉल है, तो एक बॉल है जिसका मास m है, इसका मोमेंटम है mv, और मान लो इलास्टिक कोलिजन है तो वापस आने का मोमेंटम भी mv होगा, क्योंकि v वेलोसिटी से जा रहा है, v से आ रहा है, इलास्टिक कोलिजन है मान लो, तो चेंज इन मोमेंटम का मैग्नीट्यूड कितना है? जीरो मत बोलना, क्या बोलेंगे? टू। जब वेलोसिटी टू वी चेंज है, तो m से मल्टीप्लाई करके चेंज इन मोमेंटम क्या आएगा? टू mv। कोई डाउट इसमें? तो फिर क्वेश्चन तो अब पूछना है मैंने, ये तो क्वेश्चन ही नहीं था, ये तो रिवाइज करवा रहा हूँ। क्वेश्चन तो ये है, ये लो बताओ। क्वेश्चन है, सपोज आपके पास ये एक बॉल है और ये बॉल इसको हिट करती है विद अ मोमेंटम ऑफ एमवी, एमवी मोमेंटम से इसको हिट करती है बॉल, और रेस्टिट्यूशन इस ग्राउंड का गिवन है ई, तो ऑब्वियसली ये बॉल वापस रीबाउंड करेगी, रीबाउंड करेगी, रीबाउंड जिस भी वेलोसिटी से करेगी, आपको मुझे चेंज इन मोमेंटम बताना है क्या होगा मैग्नीट्यूड में, व्हाट इज चेंज इन मोमेंटम, ये क्वेश्चन है। चेंज इन मोमेंटम इज फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, इनिशियल मोमेंटम मैं दे ही रहा हूं एमवी, फाइनल क्या होगा? फाइनल क्या होगा? ई टाइम्स एमवी, क्यों? क्योंकि वेलोसिटी कितने टाइम हो जाती है? ई टाइम, तो मोमेंटम भी कितने टाइम हो जाएगा? ई टाइम। क्या ये स्टेप क्लियर है? वेलोसिटी ई टाइम होगी तो मोमेंटम भी तो ई टाइम हो जाएगा, कोई डाउट इसमें? तो मोमेंटम ई टाइम हो गया, तो चेंज इन मोमेंटम इज फाइनल मोमेंटम माइनस, माइनस क्या? इनिशियल मोमेंटम में क्या लिखूं ना? माइनस एम वी भाई, जब यहां इसको आप ऊपर की डायरेक्शन को पॉजिटिव ले रहे हैं, तो नीचे की डायरेक्शन को क्या लेना पड़ेगा? नेगेटिव। ये स्टेप समझ में आया यहां तक? क्योंकि यहां की डायरेक्शन अगर मान लो पॉजिटिव है, फाइनल मोमेंटम पॉजिटिव है, तो इनिशियल की तो डायरेक्शन भी उल्टी है ना, तो इसलिए क्या साइन लगेगा? माइनस एम वी, तो यानी कि चेंज इन मोमेंटम की वैल्यू आएगी ई इन टू एम वी प्लस एम वी, यानी कि एम वी कॉमन आ गया ई प्लस वन। कोई डाउट इसमें? ऑनलाइन समझ में आ रहा है यहां तक? देखो छोटी छोटी बातें हैं, कुछ भी नहीं है, रूल्स हैं, आप रूल्स को बस याद कर पाए फिर तो कोई इससे अच्छा कुछ हो ही नहीं सकता, ठीक है? समझ तो आता ही है, प्रैक्टिस से याद नहीं कर पाते, भूल जाते हैं, दो महीने बाद पूछूंगा देखना आप फिर भूले मिलेंगे, ठीक? पॉइंट समझ में आ रहे हैं यहाँ तक? अच्छा बताओ, अब सपोज करो मेरा क्वेश्चन, अब मैं अगला क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, करें तो मेरा अगला क्वेश्चन है कि सपोज करो ये ग्राउंड है और ये बॉल नीचे आई, ये ऊपर गई, तो बॉल जो नीचे आई वो पी मोमेंटम के साथ नीचे आई, ग्राउंड का रेस्टिट्यूशन ई है, तो जाने का मोमेंटम क्या होगा? ई टाइम्स होगा। फिर अगला मोमेंटम, क्योंकि फिर ये नीचे आएगी, फिर नीचे से फिर ऊपर जाएगी, तो अगला मोमेंटम क्या होगा? ई स्क्वायर पी होगा। अच्छा, फिर नीचे आएगी, फिर ऊपर जाएगी, ई क्यू पी होगा, एस एंड सो ऑन, ठीक है यहाँ तक? तो पहली टक्कर में, ये पहली टक्कर है, पहली टक्कर में चेंज इन मोमेंटम कितना है? डेल्टा पी वन कितना है? फाइनल मोमेंटम ई पी माइनस इनिशियल मोमेंटम माइनस पी। को डाउट सही है? तो यहां से सॉल्व करके डेल्टा पी वन क्या जाएगा? ई पी प्लस पी, ठीक है? ई पी प्लस पी, यानी कि यहां से कॉमन क्या आ गया? पी, तो क्या बचा? ई प्लस वन। को डाउट इसमें?
अच्छा ये बताओ, अब दूसरी बार हिट करेगा, दूसरी बार हिट करने का मतलब है अब मेरे को कोलिजन इनके बीच में लेनी पड़ेगी। ये आपका जब ये ई पी से ऊपर जाएगा तो जब ये वापस आएगा तो भी तो ई पी से हिट करेगा ना, हवा में थोड़ा वेलोसिटी चेंज हो जाएगी, तो टक्कर के बाद वेलोसिटी चेंज होती है। तो ई पी से क्या, ई पी से द्वारा हिट करेगा और वापस जाएगा विद ई स्क्वायर पी। तो इन दोनों को देखें तो अब सेकेंड टाइम चेंज इन मोमेंटम क्या होगा, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। तो डेल्टा ऑफ पी टू की वैल्यू क्या आएगी, ई स्क्वायर पी प्लस ई पी। तो डेल्टा ऑफ पी टू क्या आएगा, ई पी कॉमन आ गया, ई प्लस वन, ऐसे हो गया, सही है। अच्छा ये बताओ फिर अगली टक्कर होगी डेल्टा पी थ्री क्या होगा, ई अच्छा ओके आप पैटर्न रिकॉग्नाइज कर गए, ई स्क्वायर पी इंटू ई प्लस वन, इसे पैटर्न रिकॉग्नाइज कर लिया कैसे, क्योंकि पहली बार चेंज इन मोमेंटम ये आया, दूसरी बार चेंज इन मोमेंटम में एक्स्ट्रा क्या आया, ई आया, तीसरी बार ई एक्स्ट्रा और आ गया मल्टीप्लाई तो ई स्क्वायर आ गया। अगली बार क्या आएगा डेल्टा पी फोर क्या आएगा, ई रेज टू पावर थ्री पी इंटू ई प्लस वन एंड सो ऑन। तो पैटर्न समझ में आ रहा है, हर बार चेंज इन मोमेंटम कैसे होगा, पहली बार चेंज इन मोमेंटम ये रहा, दूसरी बार ई टाइम हो जाएगा, तीसरी बार फिर ई टाइम हो जाएगा। वैसे भी पैटर्न रिकॉग्नाइज हो ही रहा था, पता है क्यों, हर टक्कर में मोमेंटम ई टाइम हो जाता है, ई प्लस वन तो कॉन्स्टेंट ही है, तो हर टक्कर में पी की जगह ई पी, फिर ई स्क्वायर पी, ई क्यूब पी। पॉइंट समझ में आ रहा है, यहाँ तो इतना करने की जरूरत ही नहीं थी, पता ही था पी जहाँ पर आएगा उसको ई से मल्टीप्लाई कर देना आंसर। समझ में आ रहा है चेंज इन मोमेंटम कैसे है। तो क्वेश्चन ये है, आप कहोगे फिर ये क्वेश्चन नहीं था, क्वेश्चन तो स्टार्ट है, अब स्टार्ट है। अगर मान लो एक बॉल को नीचे गिरा जा रहा है किसी मोमेंटम पी से, तो एक बॉल नीचे आती है विद मोमेंटम पी, रेस्टिट्यूशन ई है, फिर ऊपर फिर नीचे, ऊपर नीचे ऊपर नीचे हिट करती जा रही है करती जा रही है करती, जब तक रेस्ट नहीं आएगी। आपको रेस्ट कब कब आएगी मुझे खुद नहीं पता कब आएगी, कितनी बार हिट करेगी मुझे नहीं पता कितनी बार हिट करेगी, बताओ टोटल चेंज इन मोमेंटम क्या होगा। दिस इज द आंसर, फाइंड टोटल चेंज इन मोमेंटम, फाइंड टोटल चेंज इन मोमेंटम, ये क्वेश्चन है। अब टोटल चेंज मोमेंटम पता है क्या आएगा, डेल्टा पी विल बी इक्वल टू डेल्टा पी वन प्लस डेल्टा पी टू प्लस डेल्टा पी थ्री प्लस डेल्टा पी फोर, पता नहीं कितने, जब पता ही नहीं कितने उसको क्या बोलते हैं, इन्फिनिटी, पता नहीं कितने इन्फिनिटी। लिखो फाइंड टोटल चेंज इन मोमेंटम करके दिखाता हूँ, लिख लो यहाँ तक। क्लियर है यहां तक, आप यहां तक नोट करो, मैं आगे भी लिखवाता हूं क्या करना है।
ठीक है, तो यहां तक क्लियर है? ओके चलो वैल्यू पुट कर दें, ये लो वैल्यू पुट कर रहा हूं। अभी हमने क्या निकाला था, डेल्टा पी वन क्या निकाला था, पी इंटू ई प्लस वन, यही था ना। डेल्टा पी टू क्या था, ई इंटू पी इंटू ई प्लस वन। नेक्स्ट क्या था, ई स्क्वायर पी इंटू ई प्लस वन एंड सो ऑन अप टू इंफिनिटी, अप टू इंफिनिटी पुट करो वैल्यूज। अब यहां से हम कुछ कॉमन निकालते हैं, डेल्टा पी, बोलो क्या कॉमन आ रहा है, पी इंटू ई प्लस वन हर टर्म में कॉमन है, तो क्या बचा, वन, यहां पर क्या बचा, ई, यहां पर क्या बचा, ई स्क्वायर, नेक्स्ट क्या बचेगा, ई क्यूब टिल इंफिनिटी, तो इंफिनिटी। ये स्टेप भी क्लियर है, कोई डाउट इसमें? एक चीज देखें, ये ना सीरीज कुछ कुछ खास है, खास ऐसे है, आप किसी भी सेकंड टर्म को फर्स्ट टर्म से डिवाइड करें, आंसर क्या आ रहा है, सेम आ रहा है, ई, आप इसको इससे डिवाइड करें, ई, आप नेक्स्ट को इससे पहले से डिवाइड करें, ई, तो और ये इनफाइनाइट तक जा रही है। मैथ्स में अगर ऐसी सीरीज चले कि सेकेंड को फर्स्ट से डिवाइड करें, थर्ड को सेकेंड से डिवाइड करें और रेशियो डिवाइड करके सेम आए टिल इंफिनिटी, इसको बोलते हैं जीपी। जीपी का मतलब होता है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। एक टर्म होती है एपी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, शायद आपने इसको भी सुनी हो, एपी। एक होती है जीपी, ये मैथ्स के टीचर करवाते हैं जीपी। तो और कहां तक इसका सम है, इंफिनिटी। तो इंफिनिटी का सम अगर आपको किसी भी जीपी में निकालना है तो प्लीज एक फॉर्मूला नोट करें। फॉर्मूला है ए डिवाइडेड बाय 1 माइनस आर, इसका फॉर्मूला है ए अपॉन 1 माइनस आर, वेयर ए इज फर्स्ट टर्म ऑफ जीपी और आर इज नोन एज कॉमन रेशियो। कॉमन रेशियो ये लिख लो प्लीज, मेडिकल नॉन मेडिकल दोनों, एनसीईआरटी में ये क्वेश्चन नहीं आएगा स्पेशली ये वाला, ये सिर्फ कंपटीशन मेंस या नीट में आता है, तो मेंस या नीट के लिए बना हुआ है ये, एनसीईआरटी स्कूल लेवल प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि इसमें जीपी का सब नहीं आता। तो इनफाइनाइट जीपी का फॉर्मूला नोट कर लिया। अब ए का मतलब फर्स्ट टर्म, तो अगर ध्यान से देखें तो इस सीरीज में फर्स्ट टर्म कौन है, वन, तो ए क्या हो गया, वन। और कॉमन रेशियो का मतलब हर बार डिवाइड करने के बाद रेशियो क्या आ रही है, ई, तो कॉमन रेशियो कौन है इसमें, ई, तो आंसर क्या आएगा, डेल्टा पी विल बी इक्वल टू पी इंटू ई प्लस वन तो है ही है, और इन टू, बताओ अब फॉर्मूले में वैल्यू पुट करें, ए फर्स्ट टर्म क्या है, वन, और कॉमन रेशियो क्या है, ई, ए की जगह वन, आर की जगह ई, आंसर। तो दिस इज द आंसर, ऑब्जेक्टिव के अंदर ये ऑप्शन मिलेगा आपको। पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक, पॉइंट क्लियर है कि कैसे इसमें करना है? ठीक है यहाँ तक, कोई डाउट इसमें? तो ये इनइलास्टिक कोलिजन का एग्जांपल है। एक और प्रॉब्लम करते हैं इनइलास्टिक कोलिजन पे। सपोज आपके पास एक न्यूट्रॉन है और एक न्यूट्रॉन मूव करता है विद अ वेलोसिटी ऑफ यू।
न्यूट्रॉन एक न्यूक्लियस को हिट करता है जो रेस्ट पे पड़ा हुआ है, ठीक। न्यूक्लियस को हिट करता है, रेस्ट पे पड़ा हुआ न्यूक्लियस है जिसका एटॉमिक मास नंबर ए है, ठीक है। तो आपको ये बताना है इसको देखते हुए, व्हाट इज फ्रैक्शन ऑफ एनर्जी रिटेन्ड बाय न्यूक्लियस, बाय न्यूट्रॉन देना चाहिए मुझे, न्यूट्रॉन आफ्टर कोलिजन एंड गिवन गिवन ये एक परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन है। देखो ये अब मैंने इन इलास्टिक नहीं बोला, मैंने परफेक्टली इलास्टिक बोला है, परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन है ये क्वेश्चन है। देखो पहले ना इस पूरे कॉन्सेप्ट के अंदर ये समझ लो, मास क्या नहीं, मास तो दिया ही नहीं ना न्यूट्रॉन का ना न्यूक्लियस का, सारी गेम इसमें मास की है। कैसे है मैं बताता हूँ, इसमें इस टाइप की प्रॉब्लम में आपको करना क्या होता है, न्यूक्लियस के अंदर क्या पड़े हुए हैं, न्यूक्लियॉन्स, न्यूक्लियॉन्स का मतलब प्रोटोन एंड न्यूट्रॉन्स। तो एवरेज मास प्रोटोन या न्यूट्रॉन्स का या न्यूक्लियॉन्स का मान लो एम है, तो इमेजिन करो एक न्यूट्रॉन का मास अगर एम है तो न्यूक्लियस के अंदर तो बहुत सारे न्यूक्लियॉन्स हैं, न्यूक्लियॉन्स का मास टोटल क्या लिया जाएगा, एम टाइम्स ए, ए का मतलब नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स हैं, एक न्यूक्लियॉन का मास मैंने एम लिया है तो इसका मास क्या लेना पड़ेगा मेरे को, एवरेज एम इंटू ए। ये स्टेप समझ में आ रहा है, केमिस्ट्री लग रही है इसमें, कि अगर एम एक न्यूक्लियॉन का मास है तो उसमें न्यूक्लियस के अंदर तो बहुत सारे न्यूक्लियॉन्स, और कितने न्यूक्लियॉन्स हैं ए, तो एम इंटू ए, कोई डाउट इसमें। अब ये क्वेश्चन शुरू होगा, स्टार्ट करो। तो इसमें आपको ये निकालना है फ्रैक्शन ऑफ एनर्जी रिटेन्ड बाय द न्यूट्रॉन, तो यानी कि न्यूट्रॉन आफ्टर कोलिजन इसकी वेलोसिटी v1 है और न्यूक्लियस की क्या है, v2 है। हमने आज तक जितने क्वेश्चन किए उसमें पता है क्या किया, फ्रैक्शन ऑफ एनर्जी ट्रांसफर्ड टू द सेकेंड पार्टिकल, तो लास्ट टाइम हमने किया तो था, तो हम क्या करते थे, इसकी एनर्जी डिवाइडेड बाय टोटल एनर्जी। इस बार उल्टा करेंगे, या तो एक काम करो वही मेथड लगाओ, आप अगर ये निकाल दें कि फ्रैक्शन ऑफ एनर्जी ट्रांसफर्ड, जैसे हमने कई क्वेश्चन किए थे, और वो जो फ्रैक्शन है वो एनर्जी ट्रांसफर्ड है, तो रिटेन्ड कितनी है, वन में से उस फ्रैक्शन को माइनस करके रिटेन्ड एनर्जी आ जाएगी। एक ही बात है, फ्रैक्शन का सम तो वन है तो एनर्जी ट्रांसफर्ड पता है तो रिटेन्ड तो आ ही जाएगी, कोई डाउट इसमें। या फिर ऐसा कर लो, फ्रैक्शन फ्रैक्शन ऑफ एनर्जी रिटेन्ड रिटेन्ड बाय न्यूक्लियस, बोलो क्या लिखेंगे, एनर्जी बोलो हाफ एम, बोलो हाफ इंटू एम इंटू v1 स्क्वायर। ये स्टेप समझ में आया, क्योंकि कितनी एनर्जी रिटेन कर रहा है न्यूक्लियस, इतनी एनर्जी रिटेन कर रहा है, क्योंकि न्यूक्लियस के पास शुरू में इतनी एनर्जी थी पर अब कितनी है, इतनी है, हाफ एम v1 स्क्वायर, ये एनर्जी इसके पास बच गई है आफ्टर कोलिजन, डिवाइडेड बाय टोटल एनर्जी। टोटल एनर्जी में सम ऑफ दिस एनर्जी एंड दिस एनर्जी, तो इसकी एनर्जी तो जीरो है, डिवाइडेड बाय हाफ इंटू एम इंटू यू का स्क्वायर, कोई डाउट इसमें, दिस इज फ्रैक्शन ऑफ एनर्जी रिटेन्ड। और अगर इसी में क्वेश्चन आता व्हाट इज फ्रैक्शन ऑफ एनर्जी ट्रांसफर्ड, तो इसकी एनर्जी डिवाइडेड बाय टोटल एनर्जी। समझ में आ रहा है यहां तक क्या करना है। तो नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए, आपको इसके अंदर v1 का फॉर्मूला यूज करना चाहिए, तो v1 का फॉर्मूला लिख लें, m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 इंटू u1 प्लस 2 m2 इंटू u2 अपॉन m1 प्लस m2। अब u2 तो पक्का ही जीरो, क्योंकि न्यूक्लियस तो रेस्ट पे पड़ा हुआ था, तो v1 इज इक्वल टू m1 की जगह m, m2 की जगह ma, m1 की जगह m, m2 की जगह ma, तो m कॉमन आ गया, 1 माइनस a अपॉन 1 प्लस a, m तो कैंसिल हो गया, तो ये किसकी टर्म आ गई, v1 की, और यहाँ से हाफ एम तो कैंसिल दिख ही रहा है मुझे, तो क्या आएगा, v1 की जगह वैल्यू पुट कर रहे हैं 1 माइनस, और यहाँ पर u1 की जगह u भी आएगा, सॉरी u भी है, तो 1 माइनस ए अपॉन 1 प्लस ए का होल स्क्वायर इंटू यू स्क्वायर।
डिवाइडेड बाय यू स्क्वायर आंसर, ये ऑप्शन आपको मिलेगा ऑब्जेक्टिव में, ये भी ऑब्जेक्टिव के लिए, एनसीईआरटी के लिए नहीं, ऑब्जेक्टिव है ये। पॉइंट समझ में आ रहा है यहाँ तक कि कैसे करना है? खैर एनसीईआरटी में भी आ ही सकता है, बड़ी बात नहीं है, क्योंकि फ्रैक्शन और जो ट्रांसफर आ सकती है तो रिटेन भी तो आ ही सकती है। ऑनलाइन क्लियर है? सही, इसमें k माइनस वन होल स्क्वायर वाला फॉर्म नहीं लग सकता जो हमने पिछली क्लास में करवाया था? हाँ हम ऐसा भी कर सकते हैं, पिछली क्लास में एक शॉर्टकट लिखवाया था 4k स्क्वायर अपॉन 1 माइनस k का होल स्क्वायर, कुछ 1 प्लस k का होल स्क्वायर, तो वो क्या था, फ्रैक्शन ऑफ एनर्जी ट्रांसफर्ड, तो उसमें k की जगह पुट कर देना a, क्योंकि इसमें m इंटू a है ना, तो a का मतलब कितने टाइम्स है, तो फ्रैक्शन एनर्जी ट्रांसफर शॉर्टकट से आ गया, 1 में से सब ट्रैक्ट कर देना, शॉर्टकट पर आंसर आ जाएगा, ऑब्जेक्टिव में चलेगा, फटाफट आंसर आ जाएगा उसमें। पॉइंट समझ में आ रहा है? सर आपने जो रिटेन एनर्जी का करवाया था के माइनस वन का होल स्क्वायर, तो हाँ उसके हिसाब आप, से तो हाँ ऐसा मैंने आ जाएगा लिखवाया था, लेकिन ए आप माइनस वन। आप कर सकते हो, लेकिन अगर आपको वो याद है तो भी, मेरे को याद नहीं है, और मैं ये समझता हूँ आप एक साल बाद याद भी नहीं कर पाएंगे, आपको याद नहीं कौन सा ए कौन सा कि कुछ याद नहीं, मेरे को तो याद नहीं, मैं 3 साल से पढ़ा रहा हूँ, मेरे को याद नहीं है फॉर्मूला, तो 6 महीने बाद ना हमें चीज़ें भूल जाते हैं, लेकिन टेक्निक भी भूलते, तो टेक्निक पर स्ट्रेस देना चाहिए, तो एटलीस्ट जब फाइनल पेपर होगा हम चीज़ों को भूलना स्टार्ट कर देते हैं, तो आप कर सकते हैं, आप ज़रूर कर लें, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आप ऐसा मेथड भी अडॉप्ट करें अगर फॉर्मूला भूल गए, कम से कम आपका क्वेश्चन ठीक हो जाए, ठीक है? यस सर। ठीक है, ठीक है, तो हम वापस चलते हैं अपने कोलिजन्स पे और आगे कंटिन्यू करते हैं।